C2H4 यही लिखवाए थे ना, तो C2H4 में क्या हो जाएगा, ये क्या पढ़े थे, ये टेंथ में पढ़े हो, C2H4 को क्या बोलते हैं, कार्बन दो है, हाइड्रोजन चार है, डबल हो गया, किस जनरल फॉर्मूले पे है, CnH2n, CnH2n पे है ना, तो क्या पढ़े थे, अल्कीन पढ़े थे, याद आ रहा है, अल्कीन का ये है, तो HC ये H और डबल बॉन्ड C और ये H और ये H, तो मल्टी सेंटर्ड हुआ, एक से ज़्यादा सेंटर्ड है, ये मल्टी सेंटर्ड स्पीसीज पे अप्लाई नहीं करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद मतलब ये मल्टी सेंटर्ड स्पीसीज पे अप्लाई नहीं हो रहा था। उसके बाद एक स्ट्रक्चर तुम्हारा दिया हुआ है H3O9, ठीक है, क्या दिया हुआ था, H3O9 साइक्लिक स्ट्रक्चर, तीन सल्फर है, कितने सल्फर है, तीन, तो इसको इस तरीके से रखना, एस यहाँ, एस यहाँ और एस यहाँ, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद सब जगह क्या रहेगा, बीच में ऑक्सीजन डालो ब्रिज की तरह, ये ऐसे, ये देखो सल्फर के कितने बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में, सिक्स ना, ठीक है। अब कितना यहाँ पे बन गया है, एक सल्फर कितना बन गया है, दो बॉन्ड बन चुके हैं। ऑक्सीजन कितना यूज कर लिए हैं, तीन ऑक्सीजन यूज कर लिए हैं, बचे कितने ऑक्सीजन हैं, ऑक्सीजन कितने बचे हैं, सिक्स बचे हैं ना, हाँ, अरे भाई ओ नाइन है ये, अच्छा तो ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे, ये देखो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना इसमें H3O9 में ये भी पूछता है हाउ मेनी पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, याद रखना पाई कितने हो जाएंगे बताओ, जो सिंगल नज़र आ रहे हैं, सॉरी जो सिंगल नज़र आ रहे हैं सिग्मा, और डबल जो नज़र आ रहे हैं उसमें एक सिग्मा एक पाई, तो कितना हो गया सिग्मा तुम्हारा, कितना हो जाएगा इसमें बता दो फटाक से, एक दो, देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो ये बारह और पाई कितना हो जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ छ। रेशियो भी पूछ सकता है सिग्मा इज टू पाई का रेशियो क्या है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलो अगला पॉइंट लिखना, फिफ्थ वाला जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट लिखना, इट कुड नॉट एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इट कुड नॉट एक्सप्लेन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन यानी कि उसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ऑड में क्या हो गया, नंबर कैसा हो गया, किसको कहते हैं ऑड, क्या हो गया, ओके अरे भाई हम ऑड इवन नंबर होता है ना, तो वही तो पूछ रहे हैं, तो एग्जांपल डायरेक्ट दो ना, तुम्हारा क्या क्या होगा, चल ठीक हो गया, समझ गया। तो जैसे यहाँ पे NO एग्जांपल में ले रहे हैं हम NO, तो NO में कितना इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में कितने हो गए, और ये तुम्हारा इसमें कितने हो गए, कितना हो जाएंगे, अच्छा टोटल इलेक्ट्रॉन यदि हम बोले तो टोटल दोनों में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएंगे, अरे जल्दी बोलो, नाइट्रोजन में कितने होते हैं एटॉमिक नंबर, सेवन, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो टोटल कितने हो गए, दोनों ही इलेक्ट्रॉन यदि हम मान के चले ना, ठीक है। तो अच्छा इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये तुमको कुछ इस तरीके से देखेगा दिखेगा, जैसे N है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ये बना लिया, और इसके पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, दो, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, पाँच, पाँच में दो यूज कर लिया, कितने बचे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्सीजन का हो गया है, लेकिन इसका हो रहा है क्या, नहीं, देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल सेवन इलेक्ट्रॉन है, तीन और चार जो नज़र आ रहा है वो, तो इसमें सेवन इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन इसी को कहेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, इसका कंप्लीट है, हम इसकी बात कर रहे हैं नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, चलो और एग्जांपल लिख सकते हो, NO2 ClO2 ETC, NO2 ClO2 ETC,
ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट इसमें भी नहीं होता है, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ये माने जाते हैं। अगला लिखो सिक्स्थ एग्जांपल, सॉरी सिक्स्थ जो इसका पॉइंट है वो एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड ऑफ एक्सी, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड ऑफ एक्सी ज़ेनन। ज़ेनन के बारे में क्या पढ़े हो कि ज़ेनन क्या होता है, नॉन मेटल सॉरी नोबल गैस है, और नोबल गैस क्या पढ़े हो कि नोबल गैस जो है वो कभी भी क्या करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ऐसा ऑक्टेट रूल वाला ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर जो ऑक्टेट रूल है ना वो भी बोलता है कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा जो भी है, लेकिन एक्सी जो है तुम्हारा ज़ेनन जो है उसका भी तुम्हारा कंपाउंड्स कुछ देखे गए हैं, ठीक है, वो जनरली आसानी से फॉर्म नहीं करते हैं लेकिन फॉर्म्ड करता हुआ पाया गया है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से इनका जो स्टेटमेंट था उसके अनुसार ये क्या हो गया तुम्हारा लिमिटेशंस में आता है, ठीक है। तो एक्सी क्या है तुम्हारा, नोबल गैस जो ऑक्टेट कंप्लीट करता है, इसके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा XCF2, ठीक है, ज़ेनन फ्लोराइड, XCF4 टेट्राफ्लोराइड हो गया, XCF6, ठीक है, इन सब के स्ट्रक्चर भी अभी पढ़ने हैं आगे, XCO3, ठीक है, XCO4, ये सारे कंपाउंड फॉर्म्ड हो रहे हैं, XCO2F3 भी है, XCO2F3 ये भी, बोलो ना एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड ऑफ XC लिख ली, ठीक। और नेक्स्ट लिखना इट कुड नॉट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ, द ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड, ठीक है, ज्योमेट्री कैसा होता है कंपाउंड का एक्चुअल, जैसे हम लोग यहाँ कैसे लिख रहे हैं, जैसे अभी हम बनाए थे PCl5 का स्ट्रक्चर बनाए थे ना, तो जिधर मन उधर सबको रख दिए थे, Cl मतलब अपने अनुसार हम रख दिए थे, कोई एक एंगल के बारे में हम बात नहीं किए अभी तक, कोई बॉन्ड लेंथ के बारे में बात नहीं किए, किसको कहाँ रखना है ऐसा कुछ फिक्स नहीं किए, तो वही चीज़ है ज्योमेट्री, इसने ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताया। जैसे हम लोग इससे पहले CH4 के बारे में पढ़े हैं, क्या होता है टेट्राहेड्रल होता है, पढ़े हैं ना, हर एक बॉन्ड एंगल उसका कितना होता है 109.28 मिनट 109.28 मिनट होता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री है उसका, मतलब नेचर में इतने एंगल पे पाया जाता है, लेकिन इसने उसके बारे में कुछ बताया नहीं था, समझ में आया। तो ये इसका लिमिटेशंस थे, ये सब जो हम देखे हैं अभी, बुक्स में देखोगे तो मुश्किल से 1-2-3 तुमको मिलते हैं, लेकिन जितना हो सकता है हम तुमको बता चुके हैं। चलो आगे अब हम लोग हेडिंग डालेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अब तुम धीरे धीरे केमिकल बॉन्डिंग के कोर पार्ट में एंटर करते जा रहे हो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में VBT भी कहेंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, VBT भी कहेंगे, हो गया। चलिए लिखिए अकॉर्डिंग टू VBT, जल्दी जल्दी थोड़ा लिखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू VBT any element take place in the process of bond formation, ठीक है, bond formation to pair up its unpaired electron present either in ground state or in excited state, ठीक है, either in ground state or in excited state, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया,
कि कोई भी जो एलिमेंट है, एटम है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या करता है, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अपने जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग नहीं किया है, वो क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, अप्रोच करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स किस में हो सकते हैं, या तो ग्राउंड स्टेट में होंगे, नहीं तो एक्साइटेड स्टेट में। तो हम तुमको पहले भी बताए हैं, ग्राउंड स्टेट में यानी कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट कुछ एनर्जी जब हम प्रोवाइड करते हैं और ग्राउंड स्टेट में जो ग्राउंड स्टेट के जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बाजू वाले ऑर्बिटल में, वैकेंट ऑर्बिटल में जब चले आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। समझ में आया, ठीक है। चलो अब पॉइंट्स लिखो इसमें, मतलब कि स्टार देकर के लिखना इसमें कि दिस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बाय कंबाइनिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना HFAO, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, लिखे, ऑफ बॉन्डेड एटम Each having one unpaired electron of opposite spin, SPIN, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हो ना, स्पिन, S, हाँ पढ़े थे ना, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे घूमता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वही स्पिन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन, ठीक। उसके बाद स्टार देकर के लिखना कि दिस कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल को AO भी लिखने हैं आपसे, एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या लिखेंगे, AO, दिस कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स AO is known as overlapping of orbitals, ठीक है। यहाँ तक अब क्या बोल रहा है, हम क्या बोले कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर के पार्टिसिपेट करेंगे तो या तो वो किस में रहेंगे, ग्राउंड स्टेट में करते हैं, नहीं तो फिर किस में करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। और वो जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का, एक इधर से लेकर के आएगा, मान लो एक ये है ए, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है, ठीक है, और ये बी है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है, तो दोनों जो होने चाहिए वो अपने अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन लेकर के आएंगे, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन के होंगे, यानी कि एक अपवर्ड होगा तो दूसरा क्या होगा तुम्हारा, डाउनवर्ड, ठीक है, और दोनों मिलते हैं और दोनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करते हैं, और ये जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं उसको ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है। किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ओवरलैपिंग, याद रखना शब्द को, ठीक है। आगे लिखो, यानी एक में क्या रहेगा, देखो एक में कैसे होगा तुम्हारा बॉन्डिंग, एक का ऐसे रहेगा और दूसरे का भी ऐसे रहेगा, ऐसे दिखेगा ऐसे, लेकिन उसको हम लोग क्या कंसिडर करना, अपोजिट स्पिन में है, ठीक है, एक्चुअल में अपोजिट में रहेगा और दोनों मिलकर के ऐसा बन जाएगा, तो ये भी हाफ फील्ड लेकर के आएगा और ये भी हाफ फील्ड लेकर के आएगा और दोनों मिलकर के फुल फील्ड होंगे, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दो, और जो दो अलग अलग से मिलते हैं वही क्या बनता है, बॉन्ड, ठीक है, और दो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने को ही क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल एटम के ऑर्बिटल्स को क्या बोले, एटॉमिक ऑर्बिटल, समझ में आया, और उसी ऑर्बिटल्स में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिटल्स को मिलाएं यानी इलेक्ट्रॉन को मिलाएं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। चलो लिखो, दिस थ्योरी इज गिवन बाय जो थ्योरी दिया उसका नाम है HEIT एंड हिटलर एंड लंडन, साइंटिस्ट का नाम, ठीक है,
हिटलर एंड लंदन एंड एक्सटेंडेड बाय, और इसको एक्सटेंड किया थोड़ा सा बड़ा चढ़, मतलब कि थोड़ा सा और इसके बारे में थेसिस लिख करके आगे बढ़ाएं जो, एंड एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर, पढ़े थे ना पॉलिंग स्केल और स्लेटर कॉन्स्टेंट, पढ़े थे ना पीरियोडिक टेबल में, तुम्हारा प्रोसेसर थोड़ा अभी स्नैपड्रैगन चल रहा है, तुम्हारा क्वाड कोर लग रहा है। चलो लिखे पॉलिंग लिखे एंड स्लेटर, स्लेटर कांस्टेंट जो इस्तेमाल किए थे याद है, हाँ स्लेटर कांस्टेंट जो इस्तेमाल किए थे वो है पॉलिंग एंड स्लेटर। चलो अब लिखो मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी, वीबीटी मेन पोस्टुलेट्स मतलब मेन पॉइंट्स जो उसका था, मेन पोस्टुलेट्स। अब इसका मेन पोस्टुलेट चालू हो रहा है, ठीक है पॉइंट वाइज लिखना है मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी, ठीक लिखेंगे इस प्रकार से। पहला पॉइंट कि फॉर अ कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर अ कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म एटम, फॉर अ कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म एटम, टू फॉर्म एटम्स शुड कम क्लोजर ईच अदर, एटम्स शुड कम क्लोजर टू ईच अदर, कम क्लोजर टू ईच अदर सो दैट देयर ऑर्बिटल, सो देयर ऑर्बिटल्स स्टार्ट्स ओवरलैपिंग, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए दो एटम्स क्या होगा यहाँ पे, दो एटम्स के ऑर्बिटल जो है सामने आने चाहिए, ठीक है, और जिससे उन दोनों ऑर्बिटल्स का क्या होगा ओवरलैपिंग होना चालू होगा। सेकेंड पॉइंट कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सेकेंड पॉइंट कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसको हम लोग एओ भी लिखे हैं, ठीक है, शुड हैव, शुड हैव ए नंबर में लिखना, शुड हैव ए नंबर में लिखना, हाफ फील्ड नेचर, हाफ फील्ड होना चाहिए, हाफ फील्ड नेचर, और बी में लिखना अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी में लिखना अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आमने सामने आ रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, एक तो हाफ फील्ड होने चाहिए और दूसरा अपोजिट स्पिन का होना चाहिए। पॉइंट नंबर थर्ड फॉर कॉम्बिनेशन, सॉरी फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू बी फॉर्म्ड, फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू बी फॉर्म्ड कॉमा वन एटम शुड कंटेन फुली फील्ड, वन एटम कंटेन फुली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, फुली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड अनदर एटम शुड हैव, एंड अनदर एटम फुली फील्ड ऑर्बिटल एंड अनदर एटम, एंड अनदर एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, हाँ वैकेंट ऑर्बिटल, कोऑर्डिनेट वाला तो पढ़ा ही दिए है ना, ठीक है। सो दैट दीज टू ऑर्बिटल ओवरलैप विथ ईच अदर, सो दैट दीज टू ऑर्बिटल्स ओवरलैप विथ ईच अदर, ओवरलैप विथ ईच अदर, हो गया। चलो पॉइंट नंबर फोर ये तो समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए क्या चाहिए, एक वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है, और दूसरे के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कोऑर्डिनेट करेगा, और फिर वो वाले क्या करेंगे अपोजिट स्पिन से मिलेंगे, ठीक है। चलो फोर्थ पॉइंट लिखना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यानी जो ओवरलैपिंग होगा उसका एक्सटेंट, उसका मात्रा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लेस देन 50%, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लेस देन 50%, अदरवाइज
अदरवाइज इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन, अदरवाइज इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन विल बी लार्ज विच डिक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, समझे? मतलब जो ओवरलैपिंग होगा, जो दोनों ऑर्बिटल्स आपस में आमने सामने आएंगे, मिलेंगे, तो उनका मिलना जुलना 50% या उससे कम ही होना चाहिए। ज़्यादा सामने आए, मतलब सामने आ रहा है ना, तो पहला क्लास में जो बताए थे ना, सामने आएंगे तो एक तो न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, लेकिन न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन, और उसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स दोनों काम कर रहा है, लेकिन ज़्यादा सामने आए तो फिर रिपल्सिव फोर्स क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और बॉन्ड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल बनते जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर फिफ्थ, एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग अ न्यू लोकलाइज्ड बॉन्ड ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड। देखो हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लोकलाइज्ड मतलब एक जगह रहने वाला, लिखे ओवरलैपिंग अ न्यू लोकलाइज्ड बॉन्ड ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड। हाँ, और डीलोकलाइज मतलब इधर उधर जाने वाला, ठीक है, ओवरलैपिंग अ न्यू लोकलाइज्ड बॉन्ड ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। ठीक है, तो जहाँ पे हमको दूसरे चैप्टर्स का थोड़ा सा लगेगा उसके बारे में डिस्कशन करने का, तो वो भी हम करेंगे साथ में, जैसे याद रहेगा ना, तू लोग बोलोगे सर ये वाला नहीं, ये वाला याद रहे यही बहुत बड़ी बात है, पुराना वाला तो खैर वो तो अलग बात हो गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल पढ़े थे, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, बोलो। ओके, क्या बात कर रहे हो यार, क्लास 8 का बच्चा को ऑर्बिटल भले ना पता रहे लेकिन ऑर्बिट जरूर पता रहेगा। ओके, अरे डेफिनेशन नहीं पूछ रहे, आम भाषा में बताओ ना, बोलचाल की भाषा में बता दो, ऑर्बिट मतलब वैसा रास्ता, ठीक है, जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, ठीक है, वो दैट इज ऑर्बिट, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। लेकिन ऑर्बिटल क्या, वो तो घूम रहा है, वेव लाइक नेचर उसका जनरली माना गया है, पार्टिकल भी है लेकिन वेव है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़े हो एटॉमिक ऑर्बिट, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी कहाँ है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पाने की, ऑर्बिटल्स में, ठीक है, इसीलिए तुम देखे होगे कि किसी का स्फेरिकल शेप है, किसी का डंबल शेप है, पढ़े हो ना, किसी का डबल डंबल शेप है, तो वो क्या है, जैसे कि पी ऑर्बिटल बोल रहा, तो पी ऑर्बिटल का कैसे है, डंबल वाला है, ठीक है, इस तरीके से है। तो ऐसा नहीं कि अब इसका कहाँ है, एस का ऐसा है, तो इलेक्ट्रॉन पाने जाने की पॉसिबिलिटी यहीं पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब पी का ऐसे है तो पी का इसी रीजन में ज़्यादा पाया जाएगा, तुम इधर खोजोगे, जैसे एस का होता है ये सब जगह, समझ में आया, एस का होता है सब जगह, लेकिन तुम इसका खोजोगे कि यहाँ पे जा करके मिले, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे, अंडरस्टूड, कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे। तो इसी को कहा गया ऑर्बिटल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाने जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। सब समझ में आया, चलो उसके बाद लिखना सिक्स्थ पॉइंट, यानी कि क्या बोला, ओवरलैपिंग, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, ओवरलैपिंग करने के बाद जहाँ पे अपोजिट स्पिन आपस में मिल रहे हैं वो क्या हो गया, ऑर्बिटल, वो वाला जो होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने जाने की पॉसिबिलिटी सबसे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। चलो सिक्स्थ पॉइंट लिखना, मोर इफेक्टिव विल बी ओवरलैपिंग। अच्छा ये बताओ,
ओवरलैपिंग का इफेक्टिव होना, मतलब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स का सामने अच्छे से आना और बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से करना। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो एटम और मॉलिक्यूल आकर के आपस में मिल रहे हैं, तो क्या उनका ओरिएंटेशन भी एक इम्पोर्टेंस रखता है ना। अब हाथ ऐसे ही मिलाओगे ना, ऐसे 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 करके तो मिलेगा नहीं, समझ में आ रहा है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में जब दो हाथ आएंगे तभी हाथ मिलेगा। उसी तरीके से दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में आएंगे, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन से रहेंगे तो उनका जो है ओवरलैपिंग काफ़ी अच्छे तरीके से होगा, और अच्छे तरीके से जब ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा या वीक बनेगा। अच्छा, बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा या कम होगा? कम। मतलब क्या क्या बोल रही, पूरा बोलो। किस चीज का कंडीशन? वो अभी नहीं पढ़ाए हैं वो अभी पढ़ाएंगे क्या है अभी केवल मेन पोस्टुलेट, अभी कहानी का भूमिका बना रहे हैं, ठीक है। चलो, तो क्या बोले कि जब आपस में आमने सामने आएंगे और जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, उतना स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा और बॉन्ड एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड को तोड़ने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो उसको तोड़ने में उतना ज़्यादा अमाउंट का एनर्जी लगेगा, ठीक है। अब सोचो ना, दो आदमी का दोस्ती है, दोस्ती गहरी है तो मतलब बातचीत डेली होता होगा, तो उसको तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। वो सास बहू वाला सीरियल देखते थे ना पहले, जब पुराना देखते हो, मम्मी वो घर में होता नहीं है, मम्मी जो देख रही है छोटा बच्चा को वही देखना पड़ता है, होता है ना ऐसा? अच्छा, अभी भी होता है क्या? चलो, तो कहने का क्या मतलब है कि अब दोनों के आदमी के बीच में बॉन्डिंग नहीं है, उसमें देखते हो ना कोई एक थर्ड पर्सन वो विलन वाला रोल में जाए, कुछ आग लगा दिया, भड़का दिया, ठीक है। भड़काने के बाद दोनों भड़क जाते थे, दोनों के बीच में जो रिलेशन था, दोस्ती था, वो टूट जाता है जनरली। तो यही है, बॉन्डिंग यदि बहुत स्ट्रांग है तो ठीक है, दोनों जाके फिर उसी से बात करेगा, और बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है तो वो टूटेगा, समझ में आया। तो वही कह रहे, जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, दोस्ती बहुत अच्छा है तो उसको तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगेगा, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, समझ में आया। और दोस्ती अच्छा है तो दोनों एक दूसरे के नज़दीक होंगे, तभी दोस्ती अच्छा है, तो बॉन्ड लेंथ कम, समझ में आया, क्लियर है पूरा। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। सिक्स नंबर बात कर रहे थे ना, आधा लिखा हुआ है, स्मॉलर विल बी बॉन्ड लेंथ, हाँ उसी के बाद ओवरलैपिंग के बाद कॉमा, स्मॉलर विल बी बॉन्ड लेंथ, स्मॉलर विल बी बॉन्ड लेंथ, हायर विल बी बॉन्ड एनर्जी, कॉमा, मोर विल बी बॉन्ड स्ट्रेंथ, मोर विल बी बॉन्ड स्ट्रेंथ, एंड हेंस मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, एंड हेंस मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। फिर से सुन लो, बीच से बता रहे हैं, मोर विल बी बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख लिए, मोर विल बी बॉन्ड स्ट्रेंथ के बाद एंड हेंस मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, समझ में आया। जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा उतना ही अच्छा तुम्हारा बॉन्ड बनेगा, और जितना अच्छा बॉन्ड बनेगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, और जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतना ही कम बॉन्ड लेंथ होगा, और जितना कम बॉन्ड लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा, ठीक है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। चलो जय, ठीक है, आगे लिखो। सेवेंथ, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, विल अंडरगो टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। जो कंबाइन करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो दो तरह के ओवरलैपिंग उनमें देखने को मिलेगा। विल अंडरगो टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल का मिलना। पहला लिखो, ए लिखो, एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग, ए एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है, और दूसरा
हेड ऑन, एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। सेकंड लिखना साइडवेज और पैरेलल ओवरलैपिंग। हाँ, साइडवेज और पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है। देखो एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर जो कह रहे हेड ऑन, वो ऑर्बिटल्स इस तरीके से मिलेंगे, समझ में आया, किस तरीके से, इस तरीके से। और पैरेलल कहने का मतलब है, या फिर जो दूसरा लिख रहा साइडवेज, वो इस तरीके से मिलेंगे, समझ में आया, क्लियर। यानी कि यहाँ जो पी ऑर्बिटल तुम्हारे सामने है, यदि हम इसको कह रहे हैं ये ऐसे मिल रहा है, तो इसको कौन सा कहेंगे, एक्सियल। और यही जो ऐसे यदि मिल रहा है तो ये कौन सा होगा, साइडवेज, ठीक है। इसको कहेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग, और ये हो जाएगा साइडवेज ओवरलैपिंग, समझ में आया। स्ट्रॉन्ग जो होता है वो कौन सा होगा, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नहीं ये, हाँ। और स्ट्रॉन्ग और वीक जो हम लोग कहते हैं वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है। अभी तो बताएं बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग होना क्या मतलब, ओवरलैपिंग का अच्छे ओवरलैपिंग होना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होना, मतलब कि तुम ऐसा समझो कि यहाँ पे देखो जरा सा, यदि हम एग्जैक्ट इस तरीके से यदि हम बनाएं, ठीक है, यहाँ से ये देखो टच करता हुआ एकदम हल्का सा, तो तुमको पता चलेगा कि यहाँ पे जो टच हो रहा है लोब सुन के, वो बहुत कम टच होते हैं, समझ में आया, बहुत कम ओवरलैपिंग देखने को मिलता है दोनों को मिला करके। लेकिन इस वाले में क्या होता है, एक अच्छे एक्सटेंड का ओवरलैपिंग मिलता है, समझ में आया। इसीलिए जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग स्ट्रांग, और जो साइडवेज ओवरलैपिंग होता है वो क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। चलो अगला लिखना 8 पॉइंट, लोब्स ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लोब्स, ये लोब्स ही तो है ना, लोब इसको कहते हैं ना, लोब्स ऑफ, अगला क्या चल रहा है, एट नंबर, लोब्स ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LOBS लिख देना जी, ठीक है, लोब्स ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल should have opposite ब्रैकेट में लिखना, दैट इज साइन ऑफ वेव फंक्शन, पढ़े थे ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, साइन ऑफ वेव फंक्शन, कोई बात नहीं यार, बढ़ाओ नहीं, नहीं भी पढ़े थे तो, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हम पूरा लाइन फिर से बोल रहे हैं, लोब्स ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव अपोजिट, जो ब्रैकेट में था वो बताएं, साइन ऑफ ऑर्बिटल्स, अपोजिट साइन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, ब्रैकेट में जो लिखो है, ब्रैकेट में क्या लिखो, दैट इज साइन ऑफ वेव फंक्शन, ठीक, वही क्या हो गया, साइन ऑफ ऑर्बिटल्स। अब लिखना नेक्स्ट पॉइंट, वही अपोजिट साइन वाला, ठीक है, मतलब यहाँ ध्यान देना क्या बोल रहा है, बोल रहा है वो जो लोब रहेगा तुम्हारा, लोब ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव अपोजिट साइन ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब कि अपोजिट साइन कहने का मतलब, एक को हम क्या मानते हैं, एक को क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और एक को क्या मानते हैं, नेगेटिव, तो अपोजिट चार्ज वाला, अपोजिट साइन वाला ध्यान में रखना, यूज करेंगे अभी हम इसका। चलो 9th नंबर लिखो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड ऑन, पहला पॉइंट लिखना डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट लिखना नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, दैट इज ब्रैकेट में लिख लेना, दैट इज 1s 2s, ठीक है, 1s 2s 2p, ठीक है, 3p 3s 3p, etc, ठीक है, कैसा ऑर्बिटल का नेचर है। सेकंड नेचर ऑफ ऑर्बिटल, दूसरा नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग कैसा हो रहा है,
मतलब कि इसमें भी दैट इज ठीक है एक्सियल है या फिर एक्सियल है या फिर क्या लिखेंगे साइडवेज, ठीक है ओवरलैपिंग कैसा है, कौन सा ऑर्बिटल है और ओवरलैपिंग कैसा हो रहा है। चलो अगला पॉइंट लिखो, मोर क्लोजर इज द वैलेंस शेल, मोर क्लोजर यस पॉइंट नंबर 10, मोर क्लोजर जितना क्लोज रहेगा वैलेंस शेल न्यूक्लियस के, मोर क्लोजर इज द वैलेंस शेल टू द न्यूक्लियस मोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हो गया कॉमा, हेंस स्ट्रॉन्ग विल बी बॉन्ड, ठीक है क्लियर हुआ। जैसे कि कहने का मतलब है किसके साथ स्ट्रांग होना, ऐसे लिख लेना एग्जाम्पल, हाँ विल बी बॉन्ड, ठीक है ये जैसे वन और वन के साथ होगा तो ज़्यादा होगा स्ट्रांग क्योंकि ये क्लोज है न्यूक्लियस के, उसके बाद वन और टू के साथ, उसके बाद टू और टू के साथ, उसके बाद टू और थ्री के साथ, समझ में आया क्या बोल रहे हम ऑर्बिटल। अरे यहाँ क्या लिखवाएं कि जो जितना नज़दीक रहेगा न्यूक्लियस के उतना ही ज़्यादा अच्छा ओवरलैपिंग उसका माना जाएगा, हाँ डिफरेंट एटम का, किस इसका वन तो इसका ओवरलैपिंग सबसे अच्छा, फिर किसी का वन है किसी का टू है, हाँ ये वाला वन 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 किसी का टू, किसी का वन किसी का थ्री, किसी का टू किसी का थ्री, इस तरीके से ठीक है। तो स्ट्रांग सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका देन इसका देन इसका है? हाँ ठीक है लिख ले। और ये सेल है, इस तरीके से चलता जाएगा सेल, यानी फर्स्ट सेल का फर्स्ट सेल के साथ सबसे अच्छा, फर्स्ट सेल का सेकंड के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, सेकंड के थर्ड के साथ, इस तरीके से चलता जाएगा ठीक है। अगला लिखना नेक्स्ट, बिटवीन टू TWO सबसेल, सबसेल सेल के अंदर में सबसेल होता है, पढ़े थे ना SPDF वही तो है ठीक है। सबसेल ऑफ सेम एनर्जी लेवल, बिटवीन टू सबसेल ऑफ सेम एनर्जी लेवल, दो सबसेल हैं और दोनों में एनर्जी लेवल तुम्हारा सेम है, सेम एनर्जी लेवल, मोर इज द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, मोर इज द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक इन सबसेल, इन सबसेल ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑर्बिटल ठीक है, ऑर्बिटल मोर विल बी ओवरलैपिंग, मोर विल बी ओवरलैपिंग, क्या बोला कि दो सेम सबसेल के बीच में चूंकि उनके एनर्जी भी तुम्हारा एनर्जी लेवल भी क्या होगा सेम होगा, तो वो ज़्यादा ही डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को शो करेगा, डायरेक्शनल मतलब सेम डायरेक्शन। आयोनिक बॉन्ड क्या था, नॉन डायरेक्शनल, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है डायरेक्शनल, यानी उसका एक डायरेक्शन ठीक ठाक रहेगा ठीक है, यानी वही चीज़ हम कह रहे हैं कि कॉलिजन अच्छे तरीके से होगा ठीक है। तो ओवरलैपिंग हमेशा प्रीफर करेंगे किसका किसके साथ, सेम नेचर वाले के साथ, दोनों ऑर्बिटल का नेचर कैसा हो सेम हो तो ओवरलैपिंग क्या होगा अच्छा होगा, समझ में आया सेम एनर्जी का, यस 2s और 2s 3s 3s सेम एनर्जी लेवल, और एनर्जी लेवल निकालने पड़ेगा ना N+L रूल, एटॉमिक स्ट्रक्चर n यानी कि ये और L यानी कि ये क्वांटम नंबर जब पढ़े थे तो पढ़े थे ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, याद आ रहा है। तो ये N कहलाता है, नंबर ऑफ सेल 1, 2, 3, 4 क्लास 10 में भी पढ़े हो जी KLMN, और ये वाला क्या है L, L का वैल्यू L 0 है तो क्या हो जाएगा S, L 1 है तो क्या हो जाएगा P,
और एल बराबर टू है तो क्या हो जाएगा डी, और एल बराबर थ्री है तो क्या हो जाएगा एफ, समझे। तो एल प्लस एन प्लस एल दोनों को जोड़ देना है, और दोनों को जोड़ देने के बाद जिसका संख्या ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा होगा, और जब दोनों का इक्वल आ जाएगा तब क्या करेंगे एन का वैल्यू देख लेते हैं, जिसका ज़्यादा होता है उसका एनर्जी ज़्यादा होता है। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन को किस में डालते हो, लोअर एनर्जी में या हायर एनर्जी में? लोअर में। लोअर में तो सबसे पहले कौन होता है, वन एस, यानी वन और जोड़ प्लस एस का वैल्यू जीरो तो आता है वन, फिर आता है टू एस यानी कि टू, फिर आता है टू पी तो पी का वैल्यू वन, तो टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में आता है देन आफ्टर 3d में आता है। पहले लिखते हो ना 4s देन आफ्टर लिखते हैं 3d, क्योंकि 4 प्लस एस का वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4, और 3d मंजे क्या है 3 प्लस d का वैल्यू 2, वही है ना, तो हो जाएगा 5। तो इसलिए पहले किस में आता है 4s में, फिर जाता है 3d में, समझ में आया? ऐसा है, वही n प्लस l रूल से चलता है। हाँ, तो इस तरह से हम क्या बोले कि जितना सेम एनर्जी का तुम्हारा रहेगा ऑर्बिटल उतना ही ज़्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को शो करेगा, कैरेक्टरिस्टिक को, और उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, अच्छा ओवरलैपिंग माना जाएगा। एग्जांपल के तौर पे यदि हम बोलें, एग्जांपल के तौर पे n बराबर यदि हम लोग 2 ले रहे हैं, ठीक है, n बराबर हम लोग 2 ले रहे हैं, तो एस एस का सबसे कम, देन उसके बाद एस और पी का, ठीक है, देन उसके बाद पी और पी का, देख लो ये तुम्हारा है। ठीक है, ये और ये तुम्हारा क्या है, बॉन्ड एनर्जी, जी ध्यान में रखना बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है। चलो ट्वेल्थ वाला पॉइंट लिखो, ट्वेल्थ पॉइंट लिखो, एस ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, समझ में आया? एस नॉन डायरेक्शनल होता है, क्यों, स्फेरिकल है, जब कोई स्फेरिकल चीज है उसमें डायरेक्शन कैसे बताओगे, बता सकते हो क्या? नहीं, नहीं समझे? अरे भैया ये गोल है स्फेरिकल, कैसे बताओगे किस डायरेक्शन है, टेंजेंट, क्या बोल रहे हो, समझ में आया? गोला है ना, जैसे बोलेंगे इस साइड में तो ये एक डायरेक्शन हुआ, लेकिन वो गोल है, तो यदि तुम वो बीच में खड़ा कर दें तो सब तरफ तो एक ही साइड लगेगा, समझ में आया? तो एक तो ये क्या हो जाएगा, नहीं बाहर नहीं, ये नॉन डायरेक्शनल है, डायरेक्शन इसमें नहीं है, समझ में आया? लेकिन अपने को क्या चाहिए, डायरेक्शनल। अब ये समझ में आया, समझ में आया ना, ये नॉन डायरेक्शनल ज़्यादा है, यहाँ अपने को क्या काम, यहाँ पे एक नॉन डायरेक्शनल वाला है, यहाँ पे दो डायरेक्शनल वाला है, तो डायरेक्शनल वाले में अच्छे से ओवरलैपिंग होगा, बॉन्ड अच्छा बनेगा। चलो, एस ऑर्बिटल आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर एंड सो ओनली हेड ऑन ओवरलैपिंग, एंड सो ओनली हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन, हेड इसका जो भी है उसी को हेड मान लेना है, ठीक है, मतलब दो ऑर्बिटल्स का आमने सामने आना, ये देखो, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक, वाइल पी एंड डी, वाइल पी कॉमा डी ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, वाइल पी कॉमा डी ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर एंड कैन सो, एंड कैन सो एक्सियल एज वेल एज, एक्सियल एज वेल एज साइडवेज ओवरलैपिंग। पॉइंट नंबर 13, हेड ऑन ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्गर देन साइडवेज ओवरलैपिंग। पॉइंट नंबर 13, हेड ऑन ओवरलैपिंग इज हेड ऑन ओवरलैपिंग, बताए थे ना,
हेड ऑन ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्गर देन साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ें ये वाला, अच्छा ओवरलैपिंग किस में, पी वाले में, ठीक है। देखो अब इसका कैसे लिखोगे, ये तुम इस तरीके से लिखना कि पी पी का सबसे कम, देन उसके बाद एस एस, देन उसके बाद एस पी, देन उसके बाद पी पी। अब ये हम दो बार पी पी क्यों लिखे, यहाँ से यहाँ तक एक्सियल वाला हम ओवरलैपिंग करवा रहे हैं, समझ में आया। और एस एस का तो एक्सियल ही होता है, लेकिन पी में एक्सियल और साइडवेज दोनों, तो ये एक्सियल वाले का पार्ट है इसलिए इसमें अच्छा, लेकिन ये वाला कौन सा पार्ट है, साइडवेज, ठीक है, इसलिए उसका ओवरलैपिंग का एक्सटेंट क्या होगा, कम होगा। चलो नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट लिखो। हाँ, और ये ध्यान रखना n सेम है, n इज इक्वल टू सेम, ऐसा नहीं कि डिफरेंट n ले लेंगे, सेम एनर्जी वाले n है। लास्ट पॉइंट लिखो, ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर एक्सेप्ट s, एक्सेप्ट s, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना, एक्सेप्ट s, s ऑर्बिटल, एंड सिंस कोवेलेंट बॉन्ड, एंड सिंस कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, सो कोवेलेंट बॉन्ड इज, सो कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। अरे तुम क्या कर रही हो, लिख नहीं रही है, हैं? कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। चलो आज के लिए बस इतना ही, कल टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ेंगे। उसको खत्म करो, कल चेक करेंगे, हाँ ठीक है।